morning to all of you. Welcome back to Growing Hope on Sunday. जिसका सबको इंतज़ार होता है और आज सनी है, वेदर अच्छा है और मेरे मेरे प्लांट्स और फूल तो सारे सूख गए। अब इसका सीजन जा रहा होगा, मुझे तो ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट जो भी है और ये मैंने दिखा दिया। तो संडे है तो यही सबसे मुश्किल होती है। संडे की मैं बात बता रही थी कि मुश्किल क्या होती है कि क्या बनाए, है ना, जो अच्छा भी हो, मज़ेदार भी हो, चटपटा भी हो और बच्चे भी खाएं, बड़े भी खाएं, सबको अच्छा लगे। तो ब्रेड पड़ी थी तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने कहा चलिए आज ना बनाते हैं ब्रेड पिज़्ज़ा। ठीक है, तो आज हम ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, कैसे कैसे करें, तो चलते हैं किचन में मेरे साथ। कम बैक, और हम आ गए हैं किचन में बना रहे हैं अपना प्यारा सा, टेस्टी सा और जो सबको पसंद आता है, यमी सा नाश्ता बनाने हैं, ब्रेकफास्ट। देखते हैं क्या बनाते हैं। बता तो दिया ब्रेड पिज़्ज़ा, तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी ये भी देखिए। जैसे कि मैं बनाने वाली ब्रेड तो आपको पता ही है, ब्रेड पिज़्ज़ा बनाऊंगी तो ये चीज़ रही मोज़रेला चीज़, इसको मैं ग्रेट कर लूँगी। एक प्याज रहा, ये रहा कैप्सिकम, टमाटो, थोड़ा ओरिगैनो डालेंगे, थोड़ा सॉस डालेंगे और मोइनीस डाल देंगे। मोइनीस ठीक रहेगा क्योंकि मक्खन से ये थोड़ा लाइट ही रहेगा मेरे ख्याल से। ये थोड़ा सा मैं अपने स्टाइल से बना रही हूँ, मैं जैसे, तो आप देखिएगा। तो मैं सब्जी जब तक कट करके आपके पास दोबारा मिलती हूँ, आपको बोर नहीं करूँगी, तो फिर मैं जब बनाना शुरू करूँगी तो मिलते हैं। वेलकम बैक। तो सारी तैयारियां हमारी हो चुकी है, मैं दिखाती हूँ। मैंने कट कर लिया सब्जियां, बस बनाने वाले हैं पिज्जा फटाफट। देखिए ब्रेड पिज्जा के लिए ब्रेड की तो जरूरत होती है। ये मोनीज लगाऊंगी थोड़ा और सॉस लगा के ऊपर ये सब रख दूंगी। और ये मैंने काट लिया है ये ऑनियन, एक कैप्सिकम और टमाटो और रेड ग्रीन चिली, और इसको ग्रेट कर लिया है मोज़रेला चीज को। ठीक है, थोड़ा सा मिक्स करके ऊपर रखेंगे और कुछ ऊपर से फिर जब मैं इसको तवे पे बनाने वाली हूँ। गाइस मैंने चढ़ा दिया है बिल्कुल धीरे आंच करके और फटाफट मैं इन सब्जियों को मिक्स ही कर देती हूँ क्योंकि मैंने इसमें डाल के बनानी है। और फटाफट लगाती हूँ ये सॉस वगैरह और आपको। बहुत जल्दी बनती है, अगर आपको कहीं जाना है और जल्दी है और अच्छा सा कुछ खाना है तो ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है, बशर्ते कि सब्जियां कटी हो। सब्जियों में भी टाइम नहीं लगता, 4-5 मिनट लगेंगे, बहुत से बहुत इजीली हो जाता है। तो मैं ये आपको दिखाती हूँ,
कि कैसे कैसे। तो पहले मैं दो ब्रेड ऐसे करके बनाऊंगी, और सब चीजों में ना नमक होता है, तो हम इसमें सॉल्ट या नमक नहीं डालेंगे, बिकॉज मोइनीस में भी है, सॉस में भी है, और जो चीज डालेंगे इसके अंदर भी है, तो नमक बहुत ज्यादा हो जाएगा। इंस्टेड हम थोड़ा सा, अगर बहुत यूज करना है तो आप ये कर सकते हैं, काली मिर्ची, काली मिर्ची। तो मैं ये काली मिर्ची जरा सा पिंच ये सब में भुरक दूंगी, सब्जियों में जो मैंने ग्रेट करी है, बस बाकी इसमें कुछ देने की जरूरत ही नहीं है और चीजें, क्योंकि नमक तो मैंने पहले ही बता दिया ना, ऑलरेडी है बस। और हरी मिर्च तो दे ही रही हूं मैं, क्योंकि बड़ों के लिए बन रहा है, बच्चों के लिए बनेगा तो आप अवॉइड करें बस ग्रीन चिली को। और ये मैं मिक्स कर दूंगी। जय हो भगवान का नाम लेके, ये मैंने सारा, और इतना सुंदर लग रहा है ना, कलरफुल कि मैं क्या बताऊं। ये देखिए इसका कलरफुल मिक्सचर कितना प्यारा लग रहा है। सारा मैंने मिला दिया, और इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रेड लेंगे, ब्रेड के ऊपर इसको लगा देंगे, जो हमने ये पिज्जा और ये सब ग्रेट करके रखा है ना, चीज वाला सब्जी, तो ये हम ऐसे कर लेंगे, और इसको, ये तवा हमारा हल्का हल्का गर्म है, मैं भी दिखाती हूँ आपको। पहले मैं सारा कर लूँ इसको भी, जो दो बना रही हूं इसको भी रख लेती हूँ। तो ये सब्जी और ये सब मैंने इसके ऊपर रख दिया है खूब अच्छे से भर के ऐसे, और ये दोनों मेरे रेडी हैं इस तरह से, और मैं तवा गरम करके उसके ऊपर रख दूंगी। मोटा तवा ले ले, कोई भी मोटे पैदे का ले ले, अगर आपको उसमें बनाना, मेरे पास तो अवन नहीं है, माइक्रो है माइक्रो किसी काम का नहीं है, माइक्रो तो है, तो बनाते हैं इसको, मैं दिखाती हूँ आपको। तो रही गया वो काम क्या है, ऑरिगेनो तो छिड़का नहीं, बाद में भी छिड़कते हैं कई लोग, जो गरम गरम होता है ना, चीज लग गया मेरे हाथ में, तो मैं ये थोड़ा थोड़ा ऑरिगेनो छिड़क देती हूँ ऐसे करके। इसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है ना, ये हर्ब्स होते हैं, तो बाद में भी डालते हैं, मैं तो सोच रही हूँ पक जाएगा ना ये, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, इसकी खुशबू अच्छी आएगी फिर। तो ये मैंने डाल दिया, बिल्कुल रेडी पिज्जा, ब्रेड पिज्जा बनाने के लिए ये सामान मैंने रेडी कर दिया है। तो चलिए लगाते हैं तवे पे। वेलकम बैक। तो देरी किस बात की है, ये मैंने रेडी करके रखी दिए, और अब हम इसको तवे पे रख देंगे, हल्का सा ग्रीस कर दो, कहीं चिपक ही ना जाए, हल्का सा बिल्कुल नाम मात्र, इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लूं नीचे से, कहीं चिपक ही ना जाए, पता चला बने बनाए काम में वो बंद कर दिया। तो ये दो पिज्जा करके, दो ब्रेड करके मैं इसको बनाऊंगी। श्री गणेश करें, इसको रखें तवे पे ऐसे और ऐसे, ये मैंने रख दिए, और ये पहले भी हल्का सा गर्म था, क्योंकि जैसे ही मैं इसको चलाऊंगी तो ये गर्म हो जाएगा, और इसको मैं ढक दूंगी, इसको मैं ढकूंगी सो दैट मुझे दिखता भी रहे। तो अब हम इसको ऐसे ढक देंगे। ओहो ये तो गड़बड़ हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है कि वो भी पीस भी वो हो रहा है, तो मैं दूसरा बर्तन ढूंढती हूँ इसको ढकने के लिए, कि मैं क्या ढूंढू, क्या रखू इसके ऊपर। ठीक है,
दूसरा कुछ ऊंचा वाला रखूंगी, इससे बड़ा है, चौड़ा है, थोड़ी सी गहराई है, तो ये इससे थोड़ी ज्यादा हल्की सी मुझे ऐसा लग रहा है। ये मैंने बंद कर दिया है भगवान का नाम लेके, अच्छा बने। वेट करने से पहले मुझे याद आ गया कि मैंने ये चीज ऊपर से तो डाला ही नहीं, ऊपर से भी तो डालना है, ग्रेट करना है, खूब चीजी बनाना है इसको। तो ये मैं इसके ऊपर से ऐसे ऐसे ग्रेट कर लूंगी थोड़ा सा, और अपने लिए बना रहे हैं तो बहुत ज्यादा चीज भी नहीं डालना है, ओके ओके चीज डालना है। ये चीज नीचे गिर गई इतनी बड़ी, तवा को भी वो करेगी। तो अब ये पूरा कंप्लीट हो गया है, ये देखिए, ठीक है। और मैं इसको ढक दूंगी और वेट करते हैं भगवान का नाम लेके कि अच्छा बन जा। सिम सिम, ये देखो हमारी चीज अच्छे से मेल्ट हो रही है, तो ये रेडी हो गया है। ये नीचे तो ये बहुत अच्छे से बन गया है, कुक हो गया है, और ये जले ना, मैं इसको फटाफट निकाल दूं। तो गाइस ये मेरे यम्मी से बनके तैयार हो गए हैं, और दूसरा मैं बैच, गाइस मेरे यम्मी से ब्रेड पिज्जा रेडी हो गए हैं, और मैं इनको अब खाने लगूंगी, और मिलते हैं आपको अंदर। पहले तो मैं इसको कट कर लूं। तो गाइस ये ना थोड़ा सा मेरा जल भी गया, हल्का सा, ज्यादा तो नहीं, पर काम चल जाएगा मेरा। तो ये मेरे, ये देखिए हम मेरे यम्मी से ब्रेड पिज्जा इज रेडी टू ईट। तो गाइस इसको बिल्कुल धीरे कर दो, अगर आपको लगे कि तवा गरम, हल्का गरम है तो उसको ऑफ भी कर दो, पर ढके रहने देना। तो 1 से 1.5 मिनट में ये बन जाता है, ये देखो नीचे से भी ऐसे बढ़िया बढ़िया क्रिस्प हो गया है, सिक गई है ब्रेड, ये देखिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, तो ये बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी बना, मजा आएगा। अब मैं इसको कट करती हूँ, ये देखिए, और मैं इसको कट कर दिया, और अब मैं इसको प्लेटिंग करती हूँ। तो पहले की देर हो, मैं फटाफट इसको सजा देती हूँ, प्लेटिंग कर देती हूँ अपने पिज्जा की, और ये देखिए मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी। ये दिखने में ही बहुत यम्मी लग रहे हैं गाइस, और ये पूरा वाला मैं ऐसे करके पूरा खाऊंगी, मजा आएगा। तो चलते हैं रूम में और खाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ये मेरा रेडी है, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ये मैं चलते हैं लेके, खाती हूँ इसको, एक मैंने फुल रखा है। तो चलते हैं अंदर रूम में अपना ब्रेड पिज्जा, यम्मी है ये ब्रेड पिज्जा खाने के लिए। और यकीनन आप लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा देख के, और बच्चे लोगों के तो बहुत, क्योंकि मैंने इसमें थोड़े से बच्चे लोग के लिए बनाने हैं, तो ग्रीन चिली अवॉइड करिएगा, निकाल दीजिएगा। मैंने तो ग्रीन भी डाला है क्योंकि मुझे ही खाना है। मिलते हैं। तो बस मैं चलती हूँ लेके अंदर, और चाय मैं अपनी गर्म कर रही थी, तो बिना चाय के तो मेरा होगा नहीं, ये चाय मैंने साथ में रख दी, और चलते हैं। वेलकम बैक, और ये रे मेरे पिज्जा, ब्रेड पिज्जा जो मैंने बनाए, और बच्चे तो है नहीं, बड़े बड़े ही हैं हम, मैं और हस्बैंड तो वो भी नहीं है, गाँव गए हैं। एनीवेज तो इससे अच्छा सुपर ड्यूपर ब्रेकफास्ट हो ही नहीं सकता, इतना डिलीशियस, इतना न्यूट्रिशियस, सारे वेजीज हैं और खूब सारा चीज है, और ब्रेड है, कार्बोहाइड्रेट्स, और साथ में है मेरी चाय। तो गाइस आप भी बनाएं, खाएं, खिलाएं, और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करें कि कैसा रहा आपका ब्रेड पिज्जा। और अगर तवे पे बनाएंगे, मोटा तवा हो, बिल्कुल लो आंच, और अगर आपको लगा कि जरा सा भी गर्म है तो उसको थोड़ा धीरे या ऑफ कर दो, फिर उसके बाद फिर चला लो धीरे, बंद, उसको ढक्कन बंद रखना 1.5 से 2 मिनट में
डेढ़ मिनट में बन जाएगा, 2 मिनट ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा वो हो जाएगा क्रिस्पी ज्यादा। तो ये देखिए मैं आपको नीचे से भी दिखा दूं ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ये बना है। तो मैं लगी हूं खाने और आप भी इंजॉय करिए। तो आपके लिए फर्स्ट बाइट ब्रेड पिज्जा की, और मैं खा के देखती हूँ। बहुत यम्मी है। मैंने ना पिज्जा बहुत ज्यादा नहीं डाला, क्योंकि मुझे ही खाना, इतना चीज नहीं खाना, इतना चीज बहुत है, बहुत चीजी भी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। सचमुच में ये नहीं कि मैंने बनाया, बहुत यम्मी बना। तो मिलते हैं एक और नए बढ़िया से वीडियो के साथ, व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बात बताना भूल गई आपको, इसके साथ ना जो मैंने मेयोनीज और वो सब लगाया ना सॉस, कोई सॉस उसके साथ जरूरत नहीं है, लेकिन किसी को ज्यादा टैंगी खाना है तो ले सकते हैं, अदरवाइज बहुत अच्छा बना है। बात तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो जो मैंने बनाई है आपको, पिज्जा मैंने कैसे बनाया और ब्रेड पिज्जा। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। आप भी ऐसे ही बनाएं ब्रेड पिज्जा, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, ये सभी की बहुत अच्छी पसंद होती है, और कोई इसमें मसाला वगैरह कुछ होता ही नहीं, सिंपल और बेस्ट होता है। तो आप बनाएं, खाएं, खिलाएं और कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।